गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 वाक। ठीक है, वाक इसकी लेखिका है होटल मुखर्जी। ठीक है, तो इन्होंने अपने काव्यखंड के एक काव्यखंड है, इन्होंने अपने काव्यखंड में आत्मा से परमात्मा की ओर जाने को कहा। बताइए कि कैसे हमें मिलना चाहती हूँ, एक भूख उठती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो रस्सी कच्चे धागे की सास सूखी रस्सी है, जो सास जो लेते हैं, क्या है, कच्चा धागा है। क्यों? क्योंकि पक्का होगा तो कभी टूटेगा ही नहीं, और सास क्या होती है, एक दिन सबकी टूट ही जाती है। तो ये मैं अपने जीवन रूपी नैया है। ठीक है, नाव से यहाँ क्या है, जीवन रूपी जो नैया है, नाम है, उसको मैं इस कच्चे रस्से धागे से खींच रही हूँ। यानी जब तक सांस है तब तक हमारा जीवन है, जैसे ही सांस टूटेगी वैसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी जो नाव चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो रस्सी कच्चे धागे की, जो सांस रूपी रस्सी है कच्चे धागे की, यह मेरे जीवन रूपी नैया को खींच रही है, मैं इससे अपने जीवन को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सा भव सागर का। पता नहीं मेरी पुकार कब भगवान परमात्मा सुनेंगे, और मुझे इस भव सागर से, यानी जो हाँ मैं यहाँ फंसी हुई हूँ भव सागर में, क्या है यहाँ पे, क्रोध घृणा क्षमा है ना, कृष्णा अपना पराया अपने लोग, ये सब क्या है, भव सागर है, इसी में हम लोग क्या है फंसे हुए हैं। तो मैं कब इससे पार लग जाऊंगी इस भव सागर से, कहते हैं जैसे केवल ऐसे करके चक्र बन जाता है सागर में, है ना, लोग उसी में फंसे रहते हैं, ऐसी चीजें फंसी होती हैं घूमते, वैसे हम लोग क्या है अपने इस लोक में, इस जीवन में फंस, अपनी चीजों में फंसे हुए हैं, भव सागर में उलझे हुए हैं, है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मेरे चाचा माँ बाप भव सागर है ये सब। तो मेरी भगवान कब पास सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पास निकालेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे वह प्यास हो रहे मेरे, जिस प्रकार एक कच्चे बर्तन में पानी चाहिए ऊपर जितना भरते चाहिए, वह नीचे से धीरे धीरे इसके टपके बर्तन कभी भरा नहीं रहेगा, है ना। जैसे आप लोग जब मारते में मटकी रखते हैं या नया मटका रखते हैं, उसमें पानी रख दीजिए और चार दिन बाद देखिए कि उसमें पानी अपने आप कम हो जाएगा, जबकि स्टील के बर्तन में पानी कम नहीं होता है ना। तो ये कच्चे सकोरे यानी मेरा जो जीवन है, मैं इसमें चले जो भी करती जाऊँ, यानी मेरा दिन प्रतिदिन एक दिन कमी तो होता है ना, तो एक दिन कम होता जा रहा है, और मैं जितने भी प्रयास करूँ, जितनी भी कोशिश करूँ अपने आप को आके मतलब चीजें करने की, सब व्यर्थ है, यानी मैं इसको बचा नहीं सकती अपने जीवन को। जी मैं उठती रह रही हूँ घर जाने की चाह घेर, यानी मेरे मन में बार बार भूख उठती है, विचार आता है, तो ये इच्छा होती है कि मैं कब अपने घर, अपने घर मतलब परमात्मा के घर, क्योंकि यहाँ तो कोई घर है ही नहीं, यहाँ से तो हम आए हैं और हमें एक दिन जाना है ना। तो जो घर जाने की भूख है, यानी अपने परमात्मा के पास जाने की भूख है, वो बार बार मेरे मन में उठ रही है कि मैं कब अपने सच्चे घर यानी परमात्मा के घर जाने की चाह मेरी कब पूरी होगी, मैं इस भव सागर से कब पार लग जाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेकंड। खा खा कर कुछ पाए करेंगे, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सब खा तभी होकर संभावी, खुलेगी सागर बंद द्वार की। यानी खा खा कर तुम कुछ पाओगे नहीं, यानी बहुत ज्यादा खाने वाले को कहते नहीं है कि किसी में बहुत ज्यादा भोग विलास और बहुत ज्यादा चीजें होती कि मुझे हर चीज मिल जाए, है ना, लोग दूसरे का हक भी मार लेते हैं। तो इतना ज्यादा खाकर तुम कुछ पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि ईश्वर के घर तो खाली हाथ ही जाना है, सब यहीं पे रह जाएगा, है ना। और ना खाकर बनेगा अहंकारी, और कुछ लोग होते हैं मैंने ये नहीं किया, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, अकड़बाजी जो होती है ना, ऐसे अगर बनोगे तो क्या बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे,
इसके बिना भी गुजारा नहीं हो सकता। और दूसरों को नौज के कहते हैं कुछ लोगों ने कि खाने पीने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, यानी हमेशा ऐसे शान से रहना, मतलब अच्छे से रहना है लेकिन किसी का हक नहीं मारना है ना। तो कुछ ज्यादा खाकर आप कुछ पाओगे नहीं, अगर कुछ ना खाओगे लोगों से कहोगे कि मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, मैं तो स्वयं पे हूँ, है ना, तो ये सब चीजें आपको क्या करेगी, अहंकारी बनाएगी। सब खा तभी होकर संभावित, जब आप समान रूप से खाओगे, यानी किसी का नहीं खाओगे, सबको दुख दर्द समझते हुए समानता से जियोगे, तभी सबकी संभावी यानी समान भाव से रह सकोगे, तभी तुम्हें समानता की भावना आएगी कि हम सब एक है। जब समान रूप से खाओ यानी दूसरों के दुख समझोगे, उनको जरूरत होगी तो दोगे और उनसे जरूरत होगी तो लोगे, यानी समान भाव से रहोगे, खुलेगी साकर बंधन, तभी तुम्हारी जो बुद्धि बंद बुद्धि है वो सब खुल जाएगी, है ना, खुलेगी साकर इतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा, यानी तभी तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी, मन हृदय प्रसन्न होगा, अपने जो दुख के दरवाजे वो सब जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। जब तुम समान रूप से सबके साथ समानता से रहोगे तभी तुम संभावी बनोगे, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी जब मैं आया था तो सीधी राह से आया था, यानी मेरे अंदर छल कपट तेज ईर्ष्या तृष्णा कुछ भी नहीं थी। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है ना, वो अपनों को जानता है ना पराया को पहचानता है, उसके लिए सब अपने ही होते हैं, उसको नहीं पता होता है कि ये मेरा है ये इसका है, कोई छल नहीं होता, कोई कपट कुछ भी उसके अंदर नहीं होता है। तो जब मैं आया था तो बिल्कुल सीधा साधा काम करे, उसके अंदर कोई भी बुराइयाँ या अच्छियाँ कुछ भी नहीं था, गई ना सीधी राह, लेकिन जब मैं वापस गया तो मैं अंदर छल देश कपट तृष्णा सब कुछ आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता जाता है तो उसे पता होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है कि ये मेरी माँ है, अपना पराया हो जाता है, उसको अपनी चीजें पता होती है कि हमारी है ना ये उसका है, तो उसके बाद और बड़ा होता है लोगों से अपना परिवार है ना अपनी फैमिली समझने लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि मैं जब आया था तो मेरे अंदर कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन जब मैं वापस गया तो बहुत से दोस्त मेरे अंदर आ चुके थे, मैं सीधा नहीं गया। सुसुप सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, सुसुप सेतु पर खड़ी थी यानी जो नाड़ी होती है अंतिम नाड़ी जो सांस में नाश्ता में अटकी होती है, जब इंसान अंतिम सांस ले रहा होता है तो उसकी सांस यहाँ नाश्ता में अटक जाती है, अंदर नहीं होती, तो सुसुप सेतु यानी बिल्कुल सेतु भी पुल होते हैं ना, तो पुल में खड़ी थी ना इधर ना उधर, यानी इधर से छोड़ चुकी थी और परमात्मा के पास जा रही थी, सुसुप सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन यानी मेरा पूरा जीवन उधर बीत चुका था, मैं आके परमात्मा के पास जा रही थी, यानी मैं बिल्कुल पुल में खड़ी पार कर दूंगी, यानी पार हो गई है ना। चेर टटोड़ी कौड़ी ना मिली माझी को तो क्या होता है, यानी जब मैं परमात्मा के यहाँ पहुँच गई तो मैंने अपनी जेब को यानी अपने अंतरात्मा को टटोला तो मुझे कुछ भी नहीं मिला कि मैं उसको क्या दूँ जो मुझे परमात्मा के पास ले गया है। माझी को तू क्या होता है, जो माझी है उसको मैं क्या उतराई, तो यानी जैसे आप टिकट लेते हैं कहीं भी है ना, उसको पैसे पेमेंट करना पड़ता है, तो जो हमें परमात्मा से मिला लाने गया है मैं उसको क्या दूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मैं तब भी दोनों हाथ खाली थे, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था अपना पैर कुछ भी है ना। चलिए चौथा पढ़ते हैं, फोन नंबर का, थर थर में बसता है शिव, यानी थर थर मीन्स हर जगह प्रत्येक जगह हर जगह पे और शिव ही बसता है, यानी भगवान या परमात्मा का ही वास है ना, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, भेद नहीं करना कि क्या हिंदू है क्या मुस्लिम, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके भी दो हाथ दो पैर है ना, दो आंखें एक नाक ऐसी ही होती है, कोई भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं।
बता सके कि ये हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का, कुछ भी। तो हमें भेद नहीं करना, उसके लिए सब एक है ना। हर जगह आप मतलब आपका परमात्मा अल्लाह और ईश्वर बसता है, उसके लिए कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भेद नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो स्वयं को पहले अपने ज्ञान को विकसित करो, वही है साहिब से पहचान, वही परमात्मा से पहचान होती है। कैसे? जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सबसे पहले उन्हें अपने ज्ञान को पता चला था, उनको माया वो सब उनका समाप्त हो गया था, उनके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ और उनको ईश्वर की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति हो गई, है ना। तुलसीदास जी भी पैगंबर साहब को अपने अंदर का जब ज्ञान प्राप्त हुआ तभी उनको अल्लाह की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले हमें किसको ढूंढना है? अपने अंदर अपने ज्ञान को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है, तभी हमें उस परमात्मा से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा जो सबके अंदर है, कोई बाहर नहीं, सब परमात्मा अंदर है, हर जगह कड़कड़ में परमात्मा होता है ना बच्चों। तो चलिए आज इस काव्यखंड को, इस पुस्तक को आपको पढ़ना है और इसको समझना है, ठीक है बच्चों? ओके, गुड बाय।